पंजाब में भी अब किसान अपने खेतों में चंदन की खेती कर लाखों रुपए की आमदन कर अपने जीवन को खुशहाल कर सकेंगे, ऐसा कर दिखाया है पंजाब सरकार के वन विभाग ने। यहाँ होशियारपुर के दसुआ अधीन आते गांव बटोली में वन विभाग ने चंदन की नर्सरी तैयार कर दी है। इसका लाभ अब पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। वहीं किसान भी चंदन की खेती कर खुशहाल नजर आ रहे हैं। ऐसा है सर, हमारे यहाँ पे हर्बल नर्सरी में 103 तरह की स्पीसी है। यहाँ पे जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, लेमन ग्रास, स्टीविया, ऐसे काफ़ी तरह के मेडिसिन प्लांट है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं जो चंदन की, चंदन को ये पेड़ चंदन के लगे हुए हैं अभी, ठीक है। इस पे जो सीड लगा हुआ है, जब ये नीचे फल दिखता है तो उसे हम सोइंग करते हैं उसकी, ठीक है जी। उसके बाद अप्रोक्सली 39 डेज लगते हैं इसके सोइंग के दौरान, जर्मिनेशन के दौरान इसके, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद हम इसे पीस बैग्स में डाल देते हैं, प्रिकिंग करते हैं इसकी। प्रिकिंग करने के बाद हम पीस बैग्स में डाल देते हैं और उसके उसके बाद उस पर स्प्रे होता है पकासो गोल्ड और ग्रीन गोल्ड का। तो इसके बाद जर्मिनेशन होती है, उसके बाद किसान हमारे से यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। जो पंजाब में इसका रेट 35 रुपीज़ चलता है, अदर स्टेट में 45 का चलता है रेट यहाँ पे पंजाब सरकार का, ठीक है जी। उसके बाद किसान लेके जाते हैं, वहाँ पे प्लांटिंग करते हैं अपने यहाँ पे। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चंदन लगाएंगे ना, तो उसके भविष्य में वो बहुत लाभ उठा सकते हैं इसका, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सुरेश कुमार जी, सुरेश जी, गल की जाए तो खास करके हर जरा चंदन का पौधा है, इसको जरा है किस तरह लगाते हैं, तो तुम उसकी किस तरह सामभ संभाल करते, उस तो बाद किस तरह लोगों तक उपलब्ध करवाते? पहला पनीरी बीजी होंगी बैड बना के जी, उस तो बाद जल्द इस हो जाती उंगल उंगल जनी, फिर पट के थैली बिच लानी, उस तो बाद हर हर का बीज भी एक लाना। हर हर का बीज की गल की जाए तो हर हर का बीज और जोड़ा है चंदन, इन्हों का आपसी मेल की है? ये खुराक लेंदे दूजे को लेनी नहीं, खुराक जी फिर बदलना शुरू हो जाता है। हाँ जी, ये देख रेख की गल की जाए तो किस तरह? देख रेख की सफाई तो जरूरी है जी, जे को बिच मर जाता कई बार उन्हें दोबारे प्रीकिंग करनी पैंती बिच नालों नाल, तो पानी तो इन्हू देना देना पुहारे नाल ही देना, हैंड वाटरिंग खड़ा नहीं होना चाहिए पानी देना। मेडिसन की गल की जाए तो किस तरह की मेडिसन इन यूज होंगे, कि मेडिसन कोस्टली है की है? वो तो फिर दवाइया जो स्प्रे करते उ होंगी है, जिदा 15 दिन बाद करती स्प्रे, 15 दिन बाद बहुत होंगी है। पहले पानी ला देना, पानी तो बाद स्प्रे करनी है। कि स्प्रे करनी पड़ी? स्प्रे करनी पी पकासो गोल्ड जी, वो की फर्क पैदा होगा? पंगारा इन देना शुरू करना होंगे, हो करा के दिंदा। गल की जाए तो जो बूटा आया कि लगा, किस तरह लगाने की तुम आई कि अभी ये बूटा लगाइए तो फायदा उठावे? देखो असी बूटा भी जानी कि 1100 लिया, जिन्हें साड़ा बूटा 400-500 भी चलता पाया जी, तो जिन्हें थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाके करके कोई जान बजूर उम्र की वजह ना भी थोड़ा जहा मर गया, पानी की बारिश ना भी पहाड़ी इलाके करके, बाकी 3000 बूटा असं थला लाया सी, उसकी उम्मीद हैगी है जी कोई 1500-1800 बूटा चलता पाया जी। किस तरह यह लग्या कि तुम्हें यह बूटे लगाने चाहिए? हाँ, इन्होंने सानू ग्रोथ सोहनी मिली है, इस करके असं इन्हों लाने की अगह भी चाहत रखते पे हैं।
शुरुआत किस तरह हुई कि ये बूटा लगाइए तो सानू फायदा होएगा कि शुरुआत इदा भी पहलो 1100 बूटा तो दसिया सी लिया के लाया सी देखिया उन्हों भी कहना उन्हों लाया सी भी तो उदे भी तो 400-500 बूटा चलिया फिर सानू थोड़ी थोड़ी भी आस हुंदी गई तो उदे बाद फिर अहीं गाहां शुरू काम करता है। किन्ना बूटा होर अगे लगवाउण दी उम्मीद है? उम्मीद गां जी हैगी घट्टो घट्ट भी 4-5 हज़ार बूटा लावांगे। किन्ना एरिया तुसीं कवर करोगे इस दे विच? इस दे विच अहीं घट्टो घट्ट 6-7 किले एरिया कवर करांगे। मुकेरिया से जॉनी गेरा की रिपोर्ट।